दोस्तों, न्यूजीलैंड के 259 के जवाब में केवल 156 पर ही ढेर हुआ। भारत का सितारों से सजा बैटिंग क्रम तो टीम इंडिया की नाक कटते हुए देखकर बड़े बड़े भारतीय दिग्गज भी भड़क गए। सचिन से लेकर इरफान पठान और सचिन तेंदुलकर ने रोहित से लेकर कोहली को इस डाउनफॉल का जिम्मेदार ठहराया, तो वहीं धोनी ने तो जो कहा वह सुनकर आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो क्या कुछ रहा टीम इंडिया के इस शर्मनाक प्रदर्शन पर इन महान भारतीय दिग्गजों का रिएक्शन? उन सबके बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या अभी भी यह दूसरा टेस्ट मैच बचा पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, घमंड में चूर न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम भारत का भारत में आकर इतना बुरा हाल कर देगी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। बेंगलुरु में मिली करारी हार कोई आज तक भूल भी नहीं पाया है कि अब पुणे के मैदान पर भी भारत के बल्लेबाजों ने हमें इस कदर निराश किया है कि न्यूजीलैंड के सामने तो वह केवल 156 रनों पर ही अपने घुटने टेक गए और टीम इंडिया की नाक कटवा दी। जी हां दोस्तों, पहली पारी में न्यूजीलैंड ने 259 रन बनाए थे, जो बहुत बड़ा स्कोर नहीं था। इसका पीछा करते हुए टीम इंडिया को कम से कम 300 से 400 रन बनाने थे, लेकिन मिचेल सैंटनर और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के इरादे तो कुछ और ही थे। उन्होंने अपनी कातिलाना फिरकी से फिर इस कदर तांडव मचाया कि भारत के सितारों से सजे बैटिंग क्रम को पल भर में तबाह और बर्बाद कर दिया। हालत ऐसी हो गई थी, पूरी की पूरी टीम इंडिया 45.3 ओवर में केवल 156 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और हम न्यूजीलैंड के स्कोर से 103 रन पीछे रह गए। जहां आप टीम इंडिया की बर्बादी का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि यशस्वी और गिल ने 30-30 रन बनाए, लेकिन हमारे महान कप्तान रोहित तो खाता भी नहीं खोल पाए। कोहली ने 1 रन, पंत 18, सरफराज 11 और अश्विन केवल 4 रन बना पाए और बाकियों की तो क्या ही बात की जाए। जाडेजा ने भले ही 38 रन बनाए, लेकिन वह टीम इंडिया की इज्जत बचाने के लिए काफी नहीं था। जहां अब ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया यह दूसरा टेस्ट मैच भी गवा देगी और भारतीय टीम का यह दिल तोड़ देने वाला प्रदर्शन देखकर तो बड़े बड़े भारतीय दिग्गज भी भड़क गए हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने कहा कि मुझे अभी भी अपनी आंखों पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा है। यहाँ पिच की कोई गलती नहीं थी, यहाँ हमारे बल्लेबाजों की गलती थी। खास तौर से मैं रोहित शर्मा और विराट कोहली से नाराज हूँ। वह हमारी टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी थे, उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उनके अलावा बल्लेबाजी क्रम में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम किसी और को क्या ही दोष दे सकते हैं। यदि अभी भी टीम इंडिया को यह मैच जीतना है तो रोहित और विराट को चौथी पारी में सेंचुरी मारनी नहीं होगी, वरना हम यह टेस्ट सीरीज और हमारी इज्जत दोनों गवा देंगे। तो वहीं दोस्तों, सर सुनील गावस्कर ने तो अपनी सारी भड़ास निकालते हुए कहा, गौतम गंभीर के युग को भारत का स्वर्णिम युग माना जा रहा था। सबको लगा था कि गंभीर तो टीम इंडिया का झंडा और भी ऊंचा करेंगे, लेकिन गंभीर और रोहित ने मिलकर के हमारी नाक कटवा दी। अब यहां पिच और कंडीशन की गलती थोड़ी है। एक गेंदबाज आता है, वह आपके खिलाफ 7 विकेट ले जाता है। हमारे बल्लेबाज ऐसे खेल रहे थे जैसे कोई मजाक चल रहा हो। हम अपने घर पर नहीं खेल पा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में जाकर हम कैसे जीतेंगे? उनके अलावा इरफान पठान का कहना है कि मैं क्या ही कहूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, टीम इंडिया का इतना बड़ा डाउनफॉल कैसे आ सकता है, इसकी क्या वजह है? अब यहां ना पिच की गलती है और ना ही गेंदबाजी क्रम, न्यूजीलैंड का उतना खतरनाक था। यहां हमारे सारे बल्लेबाज अपनी गलती से आउट हुए, चाहे रोहित हो, चाहे कोहली हो, चाहे ऋषभ हो, चाहे यशस्वी हो, हर एक खिलाड़ी बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। यहां तक कि धोनी ने तो यह तक कह दिया कि अपनी आंखों पर भरोसा करना मुश्किल है। हमने कभी नहीं सोचा था कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम इंडिया में आकर ऐसा चमत्कार कर देगी और यही हमारी बड़ी गलती थी। हमने उन्हें हल्के में ले लिया और हमारा घमंड हम पर भारी पड़ा। हालांकि अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ है, हमारी टीम वापसी कर सकते हैं, लेकिन 156 पर ऑनल आउट हो जाना अपनी लापरवाही से यह चैंपियन टीम की निशानी नहीं है। निश्चित तौर पर मैनेजमेंट गंभीर और कप्तान तीनों की यहां पर गलती है। तो दोस्तों, इन सब के बयान सुनने के बाद अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया अब यह टेस्ट मैच बचा पाएगी या फिर नहीं?
अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।